साथियों, मैं महाराष्ट्र नागपुर से एक भीमसेना नाम का संगठन आज से शुरुआत की है 2015 में। भीमसेना ये धम्मा कार्य को देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करती है। 2015 में वहां पर भंते जी के शुभ हस्तों से हमने 1,00,000 लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए हमने ये प्लानिंग किस लिए की है? साथियों, आपको पता होगा कि हमारे देश में किस तरह का वातावरण फैला हुआ है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें बुद्ध की शरण में जाना होगा। हम अगर बुद्ध की शरण में नहीं जाएंगे तो हमारे आने वाले समय और बुरा होगा। इस देश में बाबा साहब के नाम पे 10,00,000 संगठन है, पर मुझे आप ये बताइए कि एक तो भी संगठन हमारा ऐसा है जो देश व्यापी है और देश के कोने कोने में है। आज हमारे पास में एक भी संगठन ऐसा नहीं है जो देश के कोने कोने में है और वो जो बड़े पैमानों में काम कर रहा है। हम ये चाहते हैं भीमसेना के माध्यम से सभी राज्यों में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हो, और सभी राज्यों में जब हम धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करेंगे तभी इस देश में क्रांति आ सकती है। तो साथियों, मेरा ये मानना है कि हमें बुद्ध के आचरण में जाना होगा और हमें इंसानियत की ओर बढ़ना होगा। आज जो व्यवस्था इस देश में है, इस व्यवस्था का हमें परिवर्तन करना है। हम लोग समस्या के पीछे दौड़ते हैं। इस देश में हमारी 2000 समस्या है। इस 2000 समस्या को लिए हम मोर्चे आंदोलन करते हैं और हमारी 500 समस्या का हल हो जाता है, परंतु समस्या का हल होना ये हमारा हल नहीं है। हम लोगों के ऊपर में 5000 सालों से हमारे ऊपर में हमला हो रहा है, हमारे ऊपर में हमारे साथ में बेइज्जती हो रही है। 5000 सालों से हमारे ऊपर में ये हो रहा है। तो साथियों, मेरा यही मानना है कि हमें बुद्ध के शरण में जाएंगे तो हम लोग इकट्ठा होकर एक क्रांति ला सकते हैं। आज आप लोगों को पता होगा कि देश का वातावरण किस तरह से इस वातावरण है। आज जो वातावरण है, इस वातावरण को निपटने के लिए हमें बुद्ध की शरण में जाना है। तो यही हमारा काम है। हम इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में हमारी टीम आके सिर्फ 15 दिन में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी लोगों से हम लोगों ने मिले, सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया, सभी यहाँ उपस्थित मान्यवरों ने हमें यहाँ पर मार्गदर्शन दिए, उनका अनुभव हमें प्राप्त हुआ। तो हमें इनका अनुभव यहाँ मिला है। हम यही चाहते हैं कि ऐसा अनुभव इनका और मिलते जाए और हमारा कारवा आगे बढ़ते जाए। आने वाले जुलाई के 28 तारीख को हम लोग लखनऊ में बुद्ध धर्म की दीक्षा दे रहे हैं। तो साथियों, इस दीक्षा कार्यक्रम में हमें सभी प्रकार के आर्थिक की और सभी तरह की व्यवस्था करनी होती है। तो हमारा यही मानना है कि हमें अगर क्रांति लाना है तो हमें घर के बाहर निकलना होगा। हम एक ही राज्य में रह के अगर हमारा कार्य करते हैं तो हम इस देश को और हमारे समाज को न्याय नहीं दिला सकते। हम अगर हमारे राज्य में मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं तो हम हमारे समाज को न्याय नहीं दिला सकते। हमें इस देश में अगर व्यवस्था परिवर्तन करना है, इस देश में शासनकर्ता बनना है, तो हमें पार्लियामेंट में हमें जाना होगा।